हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अमृता मिश्रा। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट किचन टिप्स बताने जा रही हूं, जो कि मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि कसूरी मेथी हम कौन कौन सी रेसिपी में यूज कर सकते हैं। तो कसूरी मेथी आप जैसा कि सब पनीर की सब्जी में तो यूज करते ही होंगे, साथ ही साथ आप इसको आलू गोभी की अगर सब्जी बनाते हैं ग्रेवी वाली, तो उसमें भी कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। सूखी सब्जी बनाएंगे उसमें भी कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप आलू का पराठा जब बनाते हैं, तो उसमें आप कसूरी मेथी आलू के मिक्सचर में मिक्स करें तो बहुत ही अच्छा आलू का पराठा बनता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसमें। और आप एक दो रेसिपी में इसमें अगर आप पुलाव बनाते हैं, उसमें ऊपर से आप कसूरी मेथी छिड़क दीजिए तो उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो कसूरी मेथी आप कई रेसिपी में यूज कर सकते हैं। और जब कभी आपके पास धनिया की पत्ती ना हो और आपको थोड़ा फ्लेवर के लिए ऐड करना हो, तो आप कसूरी मेथी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कसूरी मेथी सभी घरों में रहती है और लंबे समय तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और कसूरी मेथी स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे फ्रीजर में एयर टाइट डिब्बे में करके रखें, तो ये लंबे समय तक खराब नहीं होती है। और जो दूसरी किचन टिप है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी मुझसे बहुत ही ज्यादा सवाल किया जाता है कि जो सब्जी का कलर होता है वो कैसे हलवाई स्टाइल आए। तो इसके लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज करती हूँ, और इसकी दो तीन खासियत होती है। एक तो इसमें फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है, साथ ही इसमें तीखापन काफी कम रहता है, तो बच्चे भी खा सकते हैं, और कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो अगर आपको हलवाई स्टाइल सब्जी बनाना है, कलर इसका आप चाहते हैं सब्जी का थोड़ा अच्छा खिल के थोड़ा रेड कलर आए, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज करें, तो उससे आपकी सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये कुछ इजी किचन टिप्स थी जिससे जो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते थे। तो आगे में भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स लेके आऊंगी। तो अगर आपको पसंद आए हो ये किचन टिप, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, बाय।